विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने तंदूरी डिपार्ट इट्स रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं इस चुनावी वचन पत्र में किसान, युवा, महिलाओं, आदिवासी वर्ग, अनुसूचित वर्ग, शासकीय और अशासकीय कर्मचारी, आउटसोर्स आदि के लिए गारंटी दी गई है कि इनकी मांगों के अनुरूप ही कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वचन पत्र के आधार पर प्रदेश में अनेकों विकास कार्य और कई लाभार्थी योजनाएं लागू की जाएगी। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश महासचिव समीर खान भी मंच पर मौजूद रहे। क्या करना चाहते हैं, क्या रोड मैप होगा, कमलनाथ जी एक कैसी सरकार देंगे, कैसा नया मध्य प्रदेश होगा, इसी की चर्चा करने हम आपके बीच में आए हैं। और जो वचन पत्र है, इसका हमने पहले भी पालन किया था। हमने 100 दिन में 100 वचन पूरे किए थे, तब हमने 900 वचन दिए थे, आज हम 1200 वचन दे रहे हैं जनता को, उनकी पूर्ति करेंगे। और उसमें से 11 हमारी गारंटियां हैं जिनको हम पहले फेज में ही पूरा करेंगे, तो ये बराबर होगा। और इसको हम नीचे ले जाने के लिए आप सबके सहयोग से आपके माध्यम से नीचे पहुंचेगा, इसीलिए तो हम यहाँ आए।